हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे मुंबई स्टाइल में और छोले। मुंबई में समोसों के साथ छोले सर्व किए जाते हैं, तो ये वहाँ का एक स्ट्रीट फूड है। उसके लिए सबसे पहले आपने आलू बॉईल करके रख लेने हैं, छोले बॉईल करके रख लेने हैं, अदरक और मिर्ची को पीस के रख लेना है, और एक सूखा मसाला धनिया, जीरा और अजवाइन और सौंफ, इन चारों को एक एक चम्मच या दो दो चम्मच लेकर आपने पीस के रख लेना है। आप मोटा दरदरा भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने बारीक पीसा है, और उनको पहले भून लेना है पीसने से पहले। तो इतना काम करके उसके बाद ही आप ये स्टार्ट करें। तो कढ़ाई में दो चम्मच घी डाला है मैंने, तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी चुटकी, और उसके बाद मैं उसमें डालूँगी अदरक और मिर्ची का पेस्ट। ये हम समोसों में भरने वाला आलू का मसाला बना रहे हैं, तो आप तेल में भी बना सकते हैं और घी में भी बना सकते हैं। मैंने डाल दी अजवाइन, उसके बाद ये अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, ये मैंने हाथ से ही कूटा है, ये मोटा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद सूखे भुने हुए पीसे हुए मसाले, इसमें सारा टेस्ट इन्हीं मसालों का ही आना है जो खड़े मसाले हमने पीसे हैं। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी, मिर्ची लाल, काली मिर्ची थोड़ी सी, और नमक स्वाद अनुसार जितना आपको अच्छा लगता है। उसके बाद इनको मिक्स करके आपने जो आलू हाथ से मैश किए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करने हैं, थोड़े मोटे करने हैं, वो डाल दीजिए, और जो आपने साथ में मटर बॉयल किए हैं वो भी आप डाल दीजिए। मटर अगर आप ओवन में बॉयल कर रहे हैं तो भी आप उसी लिफाफे में जिसमें आलू रख रहे हैं उसी में ही आप थोड़े से मटर डाल दें तो वो बॉयल हो जाएंगे। अगर कुकर में कर रहे हैं तो भी आप कुकर में आप मटर को डाल सकते हैं, उसी में ही वो बॉयल हो जाते हैं, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब अच्छी तरह मसाला हो जाएगा मिक्स, उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, और तब तक आपने उसके बाद छोलों को तड़का लगा लेना है। तो छोलों में जो तड़के में जो चटनी हरे पुदीने की बनती है वो भी आपको पहले ही बना के रख लेनी है, क्योंकि वो समोसे के साथ भी खाई जाती है और छोले को तड़का लगाने में भी काम आती है। आप धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल धनिया नहीं मिलता है तो मैंने पुदीना लिया है, और धनिया और पुदीना दोनों मिक्स करके भी चटनी बना सकते हैं, दोनों ही टेस्ट अच्छे लगते हैं। ये मसाला अच्छी तरह भुन रहा है आलू का, इसको आप निकाल के ठंडा होने के लिए रख दें, और उसके बाद आप छोलों को तड़का लगा लें। वैसे ही दो चम्मच घी डाला है मैंने, घी गर्म होने पर आप इसमें थोड़ा सा जीरा भुन जाने के बाद आप इसमें अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डालें, और वो भुन जाने के बाद आपने इसमें हल्दी, लाल मिर्ची, काली मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार डाल देना है। उसके बाद आपने इसमें जो चटनी पीसी है उसके चार चम्मच डाल दें। आप इसको अपना स्पाइसी या थोड़ा कम तीखा अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने ना ज़्यादा स्पाइसी बनाया ना बिल्कुल फीका बनाया, मैंने मीडियम बनाया है। और छोलों में डालने के लिए आपने दो उबले आलू रख लेने हैं, उससे जो इसकी तरी है वो थोड़ी अच्छी सी गाढ़ी हो जाती है। और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है आलू मैश करके, जब ये अच्छी तरह पक जाएं और गल जाएं, मिक्स हो जाएं,
तब आपने इसमें धनिया मसाला और गरम मसाला जो आपके घर में होता है वो डाल देना है 1 चम्मच, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। आप गरम मसाला नहीं डालना चाहते तो छोले मसाला भी डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। मैंने इसमें रॉयल गरम मसाला डाला है। ये छोले और चटनी आप इमली की चटनी पाव के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आपका समोसे बनाने का किसी दिन मन नहीं है तो आप ये पाव के साथ भी खा सकते हैं, आप खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। गैस इसमें मेहनत ज़रूर लगता है बनाने में, लेकिन एक बार आप बनाएंगे तो उसके बाद आपको बार बार बनाने को मन करेगा, क्योंकि समोसे और छोलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बाज़ार में भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलता है, और अगर आप घर पे बना लें तो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए अब छोले रेडी हैं, उसके बाद आप समोसे के लिए मैदा गूंद के रख लीजिए। इसमें चुटकी अजवाइन और थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच घी डालना है। पहले आपने इसको अच्छी तरह सूखा मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से गूंदना है, और आटा आपने बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है। ध्यान रखिए, अगर आपका आटा पतला हो जाएगा तो आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। जितना गाढ़ा आटा, टाइट गाढ़ा आटा होगा, उतना ही ये पतला बेलेगा और आपका समोसा अच्छा बनेगा। इसको गूंद के आपने गीले कपड़े से इसको ढककर आधे घंटे के लिए रख देना है, और तब तक आप चटनी बना के रेडी कर लीजिए। वैसे आपको चटनी पहले बनानी है, क्योंकि छोलों में तड़के लगाने के लिए आपको चटनी रेडी रखनी है। इसके लिए आपको एक बड़ा टमाटर और एक छोटा प्याज, थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते, एक हरी मिर्ची और एक छोटा अदरक का टुकड़ा, और आधा चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल के मिक्सी में पीस लेना है। गाइस मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं आपको अच्छी तरह पूरा दिखा नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो आपको लेकिन समझ आ रहा है देख के, इतना मैं श्योर हूँ। ये डाला चाट मसाला, MDH का चाट मसाला मैं यूज़ करती हूँ। ये नमक और ये गया मिक्सी के ऊपर जार। चलिए आपकी चटनी हो गई रेडी। ये चटनी रेडी है, और मैदे को भी आधा घंटा हो गया है। आप इसको हाथ से थोड़ा और अच्छे से करके और पतली पतली लोइयां बना लें। बड़ा सा एक आपको पतला, बिल्कुल पतला रोटी बेलना है, मैदे से ही, सूखा मैदा लेकर। और जो तेल है वो आपने गरम होने के लिए रख देना है, और उसको जब तलेंगे आप तो बिल्कुल मीडियम आंच पे तलना है। गरम में तलोगे तो आपके समोसे सड़ जाएंगे, जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए बिल्कुल पतला बेलना है आपको, जितना पतला और बड़ा बेलेंगे। अब इसको आपने हाफ में ऐसे कट कर देना है। और पानी लगा के आपने इसको एक तरफ पूरा बंद कर देना है, और जो हिस्सा बंद किया हुआ है उसको आपने अपनी तरफ रखना है, हमेशा अपनी तरफ रख के ही इसको फील करना है मसाले को। और आप इन्हें इसके मुंह को भी अच्छी तरह पानी लगा के बंद करना है। अगर आप पानी लगा के बंद नहीं करेंगे तो ये तेल में खुल जाएगा समोसा, और सारा मसाला बिखर जाएगा। अच्छी तरह इसके किनारे बंद कर दीजिए तीनों तरफ। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए,
कैसे इसको बंद करना है। इसको अपनी तरफ रखना है, हथेली पे रख के कोन बना के, और आपने उसमें मसाला ज़्यादा से ज़्यादा फिल कर देना है ताकि आपका समोसे का साइज़ काफ़ी बड़ा हो। समोसे आपके रेडी हो गए हैं तलने के लिए, तेल भी गर्म हो गया है। चलिए आप तेल में समोसे डालिए। बिल्कुल कम आंच पर इसको आपने ब्राउन होने तक तलना है। समोसे आपके बनके रेडी हैं सर्व करने को। चलिए मैं आपको समोसा तोड़ के सर्व करके बताती हूँ। देखिए बिल्कुल नरम और सॉफ्ट समोसे बने आपके। इसके ऊपर डालिए छोले, उसके बाद चटनी ग्रीन, उसके बाद ये इमली की चटनी। अगर आप इमली की चटनी नहीं बनाना चाहते तो रेडीमेड इमली पिच को यूज़ कर सकते हैं, सेम ही टेस्ट आएगा। चलिए गाइस टेस्ट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।